गणगौर व्रत कथा आइए सुने। एक समय भगवान शंकर नारद एवं माता पार्वती जी को साथ लेकर पृथ्वी पर चल दिए। भ्रमण करते हुए तीनों जने एक गांव में पहुंचे। उसी दिन चैत्र शुक्ल तृतीया थी। गांव के लोगों को जब शंकर जी तथा पार्वती जी के आने की सूचना मिली तो धनी स्त्रियां उनके पूजनार्थ नाना प्रकार के रुचिकर भोजन बनाने में लग गईं। इसी कारण से उन कुलवंत स्त्रियों को काफ़ी देर हो गई। दूसरी ओर अकुलीन निर्धन घर की स्त्रियां जैसे बैठी थीं वैसे ही थाल में हल्दी चावल अक्षत तथा जल लेकर शिव पार्वती की पूजा की। अपार श्रद्धा भक्ति में निमग्न उन अन विजातीय स्त्रियों को पार्वती ने पहचाना तथा उनकी भक्ति रूपी वस्तुओं को स्वीकार कर उनके सबके ऊपर सुहाग रूपी हरिद्रा हल्दी छिड़क दिया। इस प्रकार मातेश्वरी गौरी से आशीर्वाद तथा मंगल कामनाएं प्राप्त कर वे औरतें अपने अपने घर चली आईं। तत्पश्चात कुलवंत स्त्रियाँ 16 श्रृंगार 56 प्रकार के व्यंजन सोने के थाल में सजा कर आईं। तब भगवान शंकर ने शंका व्यक्त करते हुए कहा, पार्वती जी तुमने तमाम सुहाग प्रसाद तो साधारण स्त्रियों में बांट दिया, अब इन सबको क्या दोगी। पार्वती जी ने कहा, आप इसकी चिंता छोड़ दें, उन्हें केवल ऊपरी पदार्थ से निर्मित रस रहेगा, परंतु इन लोगों को मैं अपनी उंगली चीरकर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान ही सौभाग्यशालिनी बन जाएंगी। अस्तु, अब कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती का पूजन कर चुकी तो देवी पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उसके रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया और कहा, तुम लोग वस्त्र वर्णों का परित्याग कर माया मोह से रहित हो तथा तन मन धन से पति सेवा करना, अखंड सौभाग्य प्राप्ति होगी। भगवान ही का यह आशीर्वाद सुनकर तथा प्रणाम करके कुलीन स्त्रियां भी अपने अपने घर लौट आईं तथा पति परायण बन गईं। छिड़का खून जिसके जैसा पड़ा था उसने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त किया। इसके पश्चात पार्वती जी ने पति की आज्ञा से नदी में जाकर स्नान किया, बालू का महादेव बनाकर पूजन किया, भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके बालू के दो कणों का प्रसाद खाया। पार्वती ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए तथा पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन से जो स्त्रियां मेरा पूजन तथा तुम्हारा व्रत करेंगी उसके पति चिरंजीव रहेंगे तथा अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। पार्थिव शिव ने यह वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात पार्वती जी नदी तट से चलकर उस स्थान पर आईं जहाँ पर पतिदेव तथा श्रुति प्रवर नारद को छोड़कर गई थीं। शिव ने विलम्ब का कारण पूछा तो उस पर पार्वती ने उत्तर ने दिया, मेरे भाई भावज नदी के किनारे मिल गए थे, उन्होंने ने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण से नाथ मुझे आने में देर लग गई। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शंकर स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि ढोल का पोल खुल जाएगा तो अधीर होकर पति से प्रार्थना करने लगीं। शंकर के पीछे पीछे चलती पार्वती ने जब नदी की ओर अवलोकन किया तो एक सुंदर माया का महल दिखाई दिया जिसमें शिव जी के साले तथा सलहज विद्यमान थे। वह लोग जब वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने अगवानी तथा स्वागत सत्कार किया। दो दिन तक तीनों ने उनका आतिथ्य ग्रहण किया। तीसरे दिन सुबह पार्वती के द्वारा चलने के आग्रह को ठुकरा दिया। इससे देवी काफ़ी कुपित हुई तथा अकेली ही राह ली। तब मजदूर होकर महादेव को उनका अनुसरण करना पड़ा। नारद भी साथ में थे। तीनों लोग चलते चलते काफ़ी दूर निकल आए। सायंकाल होने पर शिव जी ने बहाना किया कि मैं तो तुम्हारे मायके में अपनी माला ही भुलाया। इस पर पार्वती माला लाने को तैयार हुईं किंतु शिव जी की आज्ञा से न जा सकीं। नारद जी वहां गए, जाकर देखते हैं कि न कहीं महल का नामो निशान न कहीं माला, वरन घोर अंधकार में नृशंस हिंसक पशु विचरण कर रहे हैं। इस अंधकार पूर्ण डरावने वितरण को देख नारद बहुत आश्चर्यचकित हुए। तदश्चर अचानक बिजली को चमकने से वृक्ष पर टंगी माला दिखाई दी। उसे लेकर महामुनि भयातुर अवस्था में शीघ्र ही शिव के पास आए और अपनी विपत्ति का आदोपांत वर्णन कर सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिव ने नारद से उसका आदि मूल कारण बताया। हे मुनि, आपने जो कुछ भी दृश्य देखा वह पार्वती की अनोखी माया का प्रतिफल है। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने झूठ बहाना बनाया था। फिर उसे सत्य करने के लिए उन्होंने अपने पति व्रत धर्म की शक्ति से झूठे महल की रचना की। अभी तो सच्चाई को बांधने के लिए ही मैंने भी माला लाने के लिए तुम्हें द्वारा उस स्थान पर भेजा था। ऐसा जानकर महर्षि नारद ने माता पार्वती तथा उनके पति व्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना को मुक्त
अखंड से प्रशंसा की। जहाँ तक उनके द्वारा पूजन की बात को छुपाने का सवाल है, वह भी समीचीन ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा छिपा कर ही करनी चाहिए। मेरा यह अब आशीर्वचन है कि जो स्त्रियाँ इस दिन को गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपादित करेंगी, उन्हें अपनी कृपा से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी तथा उनके पति भी चिरंजीवी होंगे। चूँकि पार्वती जी ने इस व्रत को छिपाकर किया था, उसी परंपरा के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते हैं। जय शंकर भगवान, जय पार्वती मैया। आओ करें शिव शंकर जी की आरती। आरती करो हरि हर की, आरती करो हरि हर की, नटवर की भोले शंकर की, आरती करो शंकर की। सिर पर शशि का मुकुट संवारे, तारों की पायल झंकारे, धरती अमर डोले, तांडव लीला से नटवर की। आरती करो शंकर की, आरती करो हरि हर की, फड़का हार पहनने वाले, शंभू हैं जग के रखवाले, सकल चराचर अगचर नाचे, उंगली पर विषधर की। आरती करो हरि हर की, आरती करो शिव शंकर की, महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरूधर, हे देवों के देव मिटाओ विपदा हरो घर घर की। आरती करो शिव शंकर की, आरती करो हरि हर की, आरती करो हरि हर की, जय शिव शंकर। आइए करें माता पार्वती जी की आरती। जय पार्वती माता ब्रह्म सनातन देवी सुफल की दाता, जय पार्वती माता हर कुल पदम विनाशनी, जय सब से सेवक त्राता, जग जीवन जगदम्बा हरि हर गुण गाता। जय पार्वती माता सिंह का वाहन साजे कुंडल है साथा, देव बंधु जस गावत नृत्य करत ताथा। जय पार्वती माता सतयुग रूप शील अति सुंदर नाम सती कहलाता, हेमांचल गर जन्मी सखियन रंग राता। जय पार्वती माता सुमन सुम विदारे हेमा इस्ताता, सहस्त्र भुज तनु चर के चक्र लियो हाता। जय पार्वती माता सृष्टि रूप तुही जन शिव संग रंग तामय, जन शिव संग रंग राता, नृद नंदी व्रंगी बीन लही है हातन मत माता। जय पार्वती माता देवन अरज करत तव चित को लाता, गावत दे दे ताली मन में रंग राता। जय पार्वती माता श्री प्रताप आरती की जो कोई नर गाता, मय जो कोई नर गाता, सदा सुखी नित रहता सत खीनित रहता सुख संपत्ति माता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, मय जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी सुफल की दाता। जय पार्वती माता, बोलो पार्वती मैया की जय, बोलो सिंह शंकर की जय, बोलो सभी देवताओं की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो माता लक्ष्मी की जय, बोलो सरस्वती मैया की जय, बोलो गणगौर व्रत पूजा जय हो गणगौर। भक्त लोगों, आपको गणगौर व्रत कथा सुनने में कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके हमारे चैनल पर ज़रूर बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।